और भाई ये चीज देखो यार, असल जो एरिया है ना इस गाड़ी में, जो आपको मस्त प्रीमियम सा फील कराता है यार, लगता है कि आप किसी BMW ऑडी जैसी गाड़ी में बैठे हुए, वो है इसका गियर लीवर। हेलो भाई, मैं हूँ आसिफ सुभानी और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यार नई सफारी 2023 वाली, यार फेसलिफ्ट कह लो जो कह लो यार, फीचर्स ना अच्छे खासे दबा दबा कर टाटा वालों ने दे दिए हैं यार। फॉर्च्यूनर तक जो गाड़ी है वो इतने फीचर्स के साथ नहीं आती है, और फॉर्च्यूनर के लिए आप जान ही रहे हो पैसे देने पड़ते हैं आपको 50-60 लाख रुपए, और इसके लिए कितना देना पड़ता है और ये कौन सी वेरिएंट है, वो सारी चीज़ आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार गाड़ी का लुक देख लो, जानबूझकर ये वीडियो मैं पीछे साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड से ना थोड़ा बहुत यार हैरियर वाला फील आ जाता है, लेकिन जब आप इसे पीछे साइड से देखते हो तो भाई बंदा कहता है कि हाँ सफारी है। तो ये है एकॉम्प्लिश्ड प्लस डार्क एडिशन। देखो वेरिएंट यार अच्छे खासे टाटा वालों ने भर दिए हैं, प्योर आता है, स्मार्ट आता है, यार क्या क्या वेरिएंट नहीं आता है, सेम आपको पंच जैसा अब वेरिएंट का नाम इसमें भी सुनने को मिल जाएगा। तो ये लेने जाते हो इसके लिए आपको देने पड़ते हैं 25,84,000 रुपये, और ऑन रोड चला जाता है अपने पटना बिहार गिन्नी मोटर्स में 30,88,000 रुपये करीब। यार दाम भी तो अच्छे खासे बढ़े हैं गाड़ी के, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं यार, 30 लाख 31 लाख रुपए यार यहाँ पर होते हैं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं फ्रंट वरंट से, क्या गाड़ी है कैसी है। तो ये अपना चाबी जो है, सारा कुछ बदल गया टाटा वालों का, दो चीज़ भाई नहीं बदला आज तक, एक ये तो चाबी, दूसरा टाटा का लोगो, भाई इसके ऊपर थोड़ा चेंजेस हो जाए तो यार और चार चांद लग जाए इस ब्रांड को। गाड़ी आपको लॉक करना है, लॉक करो, यहाँ पर देखो यार कनेक्टिंग वाला चीज़ मिला, देख रहे हो ना यार, मज़ा सा आ जाता है। गाड़ी आप अनलॉक करते हो तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस वहाँ पर आता है, और हेडलैम्प का जो सारा सेटअप है ये कर दिया गया है चेंज। आपको प्रोजेक्टर में LED वाला हेडलैम्प मिल जाता है, पहले भी प्रोजेक्टर आता था लेकिन आपको HID और रिफ्लेक्टर वाला नॉर्मल आई बीम के लिए मिलता था, और फॉग लैम्प भी आपको दो पार्ट में मिल जा रहा है, ये चीज़ भी LED वाला है। तो चार कंट्रोल्स है, और एक जादू दिखाऊं यार टाटा सफारी नए वाली का, ये आप देखो, ये तो कंट्रोल आप काफ़ी दिन से देखते आए हो लेकिन ये फीचर भाई आपने नहीं देखा होगा, देख रहे हो भाई, ये देखो यार टोयोटा फॉर्च्यूनर वाला फीचर आपको मिल जा रहा है आधी कीमत में, देख रहे हो ना। वापस अगर आपको बंद करना है तो यहाँ से बंद कर सकते हो, बट पहले यहाँ पर देख लो, एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, ये अपना एडजस्टेबल है दोनों, और आपको फोल्ड करना है तो इसे आप ईजिली यानी फोल्ड भी कर सकते हो, यहाँ से आप इसे ऐसे करके नीचे साइड लिटा सकते हो, तो अब आपके पास स्पेस जाएगा बढ़। ये देखो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स मिल जाता है यहाँ पर, मतलब AC वेंट्स का कंट्रोल मिल जाता है, AC वेंट्स यहाँ पर मिलता है, इस जगह आपको USB और Type-C वाला चार्जिंग सॉकेट मिलता है बोटर होल्डर के साथ, नेट वेट टाइप का चीज़ मिल जाता है, बूट लैंप आपको मिल जाता है नॉर्मल हैलोजन वाला, JBL का स्पीकर सबवूफर मिल जाता है, भाई 10 स्पीकर्स का सेटअप मिलेगा इसमें आपको, और ऊपर साइड रीडिंग लैंप मिल जाता है। जो बंदा कंफर्ट ओरिएंटेड टाइप का चीज़ फील करना चाहता है, जैसे थर्ड रो में आपको AC वेंट्स मिल रहे हैं, सारा कुछ चार्जिंग वार्जिंग का मिल जा रहा है, स्कॉर्पियो N जैसी गाड़ी में ये फीचर है भाई मिसिंग, लेकिन आपको इसमें मिल जाता है। तो भाई जिससे रोड पर थोड़ा ज़्यादा मतलब चौड़ा चकला सा गाड़ी दिखाना वो स्कॉर्पियन की तरफ जाएंगे, लेकिन जो बंदे पैसे लगाकर भाई फील लेना चाहते हैं वो इस गाड़ी की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है ये फॉग लैंप, बाकी सारा सेटअप LED वाला मिलता है, रियर कैमरा आपको मिल जाता है, पीछे साइड में दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, रियर वाइपर मिल जाते हैं, डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, शार्क फिन वाला एंटीना, इतना सा चीज़ मिलता है। और एक बड़ा अपडेट, मतलब टोयोटा फॉर्च्यूनर से ही थोड़ा इसे रिलेट करूँगा यार, क्योंकि टक्कर देने वाली है ये गाड़ी, 245 यानी चौड़ाई भी पहले से गया है बढ़, पहले 235 आता था, भाई 55R19, भाई ये जो गोलाई है ना पहले आता था 1 इंच छोटा, 18 इंच 17 इंच भी आता था नीचे वाले वेरियंट में, तो ये चीज़ भाई 19 इंच का अभी का टाइम बताओ यार, सेगमेंट में कौन ये इतना बड़ा अलाइविल देने वाला है कोई, आप नाम बताओ। इस जगह आपको रियर साइड में डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाता है, टैंक कैपेसिटी 50 लीटर का मिलेगा, और बाहर साइड से ना वैसा कोई खास चेंजेस नहीं मिलेगा, वही आपका टेल लैंप ये सारा चीज़ चेंजेस किया गया, बाकी लुक्स डिज़ाइन मिल जाता है पुराने जैसा ही, ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिलता है, और ये जो सफारी का फॉन्ट इस जगह हो या फिर आप इस जगह देखो, ये फॉन्ट वॉन्ट भाई किए गए हैं चेंज यानी अपडेट, रूफ रेल्स
बड़े से साइज का पैनोरामिक सनरूफ और फ्रंट में मिल जाता है पार्किंग सेंसर्स। एकॉम्प्लिश्ड वाले वेरिएंट से ही आपको मिलने लगता है एडास का फीचर। ये अपना एडास का सिस्टम अंदर साइड में इस जगह आप देखोगे मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा हो गया, 360 कैमरा भी मिलते हैं। ये कुछ कुछ अपडेट तो इसके पुराने वाले में ही कर दिया गया था। हैशटैग डार्क का बैज और एक कैमरा यहाँ पर। वाइपर की क्वालिटी देखो, ये देख रहे हो भाई, टॉप नोच क्वालिटी मिलता है यार इसका। नेक्सॉन में भी आपको अच्छा क्वालिटी मिल जाता है। वहाँ पर देखो कैमरा वैमरा सेंसर वेंसर मिल जाता है। अब आ जाओ इंटीरियर में, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर मिलता है। गाड़ी आप अनलॉक करते हो ये हो जाते हैं ऑन, और RVM के ऊपर आपको मिल जाता है ब्लाइंड स्पॉट से रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन है, यानी वार्निंग मिलेगा। यार डोर में वेट वेट देखो भाई, हैवी गाड़ी बनाया है यार। वैसे तो पहले टाइम से ही हैवी थी। ड्राइवर वाले सीट में 6-way इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। ये अपना 6-way जाएगा, सिर्फ ड्राइवर वालों को ये जो फीचर है भाई वो नसीब नहीं है। आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, ये अपना म्यूट हो गया यहाँ से भाई। ये जो एडजस्टमेंट है ना सीट का, ड्राइवर साइड 6-way मिलता है। को पैसेंजर साइड आते हो थोड़ा दिखाना मुश्किल होगा, लेकिन दिखाएंगे यार। यहाँ पर आप आते हो ये देखना, देख रहे हो भाई, ये 4-way अपना एडजस्टमेंट के साथ आता है। तो दोनों वाला जो सीट है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाला मिलने वाला है। मेमोरी फंक्शंस मिल जाते हैं आपको, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगे ड्राइवर साइड के और साथ में को पैसेंजर साइड के। इंटीरियर में बैठते हो, ओ भाई ये है अपना ऑटोमेटिक वाला यार, तब ना एडास मिल रहा है भाई। मतलब ये जो आपने प्राइस सुना ना ऑटोमेटिक का सुना, तो आप जैसे ही अंदर बैठते हो ना भाई, तो आपको लगता है यार कि ये कहाँ थे हम बाहर, और ये कौन सी दुनिया में आ गए। मतलब चेंजेस, आप सारा कुछ चीज़ बदल दिया। नॉर्मली फेसलिफ्ट में इतना बड़ा बड़ा चेंजेस जो है वो जल्दी कोई ब्रांड वाले नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने यार सारा कुछ सिस्टम विस्टम यहाँ पर दिया बदल। लोगों को बहुत शिकायत थी यार टाटा की सफारी हैरियर इन सब से, कि अभी के टाइम XUV 700 लग्जरी फीचर के साथ आते, इंटीरियर मस्त आता है, लेकिन टाटा वालों ने भी भाई अपने को पीछे नहीं रखा है। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं और चारों, अच्छा मुझे लगा यार वन टच अप डाउन होगा, नहीं चारों आपको वन टच अप डाउन नहीं मिलता है। ये वाला जो है बेसक से आपका वन टच डाउन चला गया, वन टच अप आ गया, ये मिलता है या नहीं। तो ये सिर्फ भाई एक जो है अपना वन टच अप वन टच डाउन मिलता है। यहाँ पर आपको एम्बियन लाइट मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल हो गया, आउटर हेडलैम्प का कंट्रोल, आउटर रेन सेंसिंग वाइपर। आपको गियर बढ़ाना है घटाना है वो चीज़ यहाँ से कर सकते हो। 6-speed का ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, और ये अपना जो सारा बटन से क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड, एडास वेडास से रिलेटेड इस साइड आपको मिल जाता है भाई। 12.5 inch लगभग 12 इंच का आपको टच स्क्रीन मिल जाता है। अभी तक आप देख रहे थे 10.25 inch का, लेकिन देख रहे हो अब आपको 12 इंच का मिलता है, बड़ा सा तगड़ा सा। यहाँ पर आपको AC वेंट्स का सारा कंट्रोल मिल जाता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, 360 कैमरा। यार कैमरा की क्वालिटी भी आप देखना, ये देखो, देख रहे हो भाई, 2D में देखना है 3D में देखना है, कैमरा की क्वालिटी यार काफ़ी मस्त कर दिया टाटा ब्रांड वालों ने, तगड़ा सा मिलता है। फ्रंट देखना है रियर देखना है, ये सारा सिस्टम अपना मिल जाता है। यहाँ पर आपका हो गया नॉर्मल, इको, 2-3 मोड्स मिल जाते हैं ड्राइविंग से रिलेटेड। अच्छा ये नॉर्मल वेट हो गया, और आगे जाते हो रफ हो गया, तो ये चीज़ भी भाई किया गया है चेंज। स्पोर्ट, इकोनॉमी, पहले आवाज़ करता था अब आवाज़ नहीं करती, वो लड़की शांत है शायद बंद कर दिया गया वो सिस्टम इस वजह से। और भाई ये चीज़ देखो यार, असल जो एरिया है ना इस गाड़ी में जो आपको मस्त प्रीमियम सा फील कराता है यार, लगता है कि आप किसी BMW ऑडी जैसी गाड़ी में बैठे हुए, वो है इसका गियर लीवर। ये देख रहे हो आप भाई क्या चीज़ है यार, आपको ड्राइव पर जाना है, ड्राइव पर जाओ इस जगह आप इसे प्रेस करके, न्यूट्रल पर जाना है तो ये भाई न्यूट्रल आ गया, और पार्किंग पे जाना है तो पार्किंग का कैसे, अच्छा पार्किंग पे जाना है तो ऐसे प्रेस करोगे तो भाई ये अपना पार्किंग मोड पर आ गया, ये बटन है, मुझे लगा ये ऐसे जाएगा, बट भाई असल जो मज़ा है वो यहाँ पर है। ये पार्किंग ब्रेक का मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलेगा, ऑटो होल्ड का कंट्रोल हो गया, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड हो गया, USB वाला चार्जिंग सॉकेट, टाइप सी वाला चार्जिंग सॉकेट, और सिंक करके AC यूज़ करना तो आप सिंक भी कर सकते हो। कैमरा वैमरा का दिखा ही दिया आपको क्वालिटी, ऑटो डिमिंग वाला IRVM मिल जाता है। इस जगह आपको बड़े से साइज़ के पैनोरामिक सनरूफ मिलते हैं, पूरा ब्लैक कलर का आपको अंदर में थीम मिलेगा, क्योंकि ये अपना डार्क एडिशन है ना, इस वजह से आप डोर्स के ऊपर देख लो, रूफ देख लो,
सारा चीज आपको ब्लैक 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 कलर का मिल जाता है। SOS से रिलेटेड हो गया आपको यहाँ पर कंट्रोल, और ये इमरजेंसी से रिलेटेड सारा चीज मिल जाता है। आर्मरेस्ट यहाँ पर मिलेगा, 12 वोल्ट कोल्ड ग्लो बॉक्स है, यहाँ पर आपको USB और टाइप सी का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। इस जगह स्टिचिंग मिलता है, एम्बिएंट लाइट यार काफी लंबा सा मिलता है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरा वैसे वैसे जाता है, ग्लो बॉक्स कूल्ड वाला और साथ में लाइट वाइट जाता है मिल। MID जो है MID आपको मिल जाएगा, पूरा कलर डिस्प्ले, ये चीज भी पहले आता था फीका फीका एनालॉग जैसा, लेकिन अब आपको इस साइड डिजिटल स्पीडोमीटर बताएगा, यहाँ पर आपका गियर पोजिशन इंडिकेटर बताएगा, ओडोमीटर बता रहा है, इकोनॉमी बता रहा है, रेंज बता रहा है, आपका FM से रिलेटेड मिल जाएगा, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, और इसे आपको चेंज करना है तो ये कंट्रोल है, नोटिफिकेशन देखना आगे जाओ, सेटिंग्स हो गया, ट्रिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एडास का आ गया सिस्टम, DEF से रिलेटेड नेविगेशन, मतलब सारा चीज़ भाई इसमें इस बारी दिया है भाई, टायर प्रेशर वेसर हर कुछ चीज़ बता देगा, जो चाहिए जो आपको देखना है वो चीज़ इसमें देख लो। अब पीछे वाले की अगर बात बताएं, वैसे यहाँ पर आपको लेदर मिल जा रहा है, इस जगह पूरा लेदर लेदर सा चीज़ मिलता है, पीछे का बात बताएं, लेकिन एक चीज़ भाई थोड़ा मिसिंग कर सकते हैं, नेक्सॉन में तो मुझे लगता था, लेकिन इसमें भी भाई ये अपना ना सनग्लास होल्डर वाला कोई वैसा स्पेस मिलता है नहीं, ये थोड़ा भाई दिल को चुभा। अब आ जाओ पीछे वाली सीट पर, पीछे क्या चीज़ मिलता है वो आपको दिखाते हैं। स्टीयरिंग का जो एडजस्टमेंट है ये अपना टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में होता है भाई, टाटा है ऐसे नहीं मानेगा, ओ मजबूती चाहिए इसे भाई, बंदों को जान चाहिए इसे कैरी ऑन करने में। इस जगह भी आपको लेदर वाला सारा फिनिश मिल जाता है, डोर लीवर इन सब की क्वालिटी जो है काफ़ी मजबूत सा अच्छा सा मिलता है, यहाँ पर भी आपको लेदर मिलेगा, विंडो का कंट्रोल हो गया। और एक बड़ा अपडेट जो यार सफारी हैरियर इन सब में तो मिल रहा है अभी के टाइम, लगभग हर गाड़ी में देने चाहिए, जैसा कि धूप आप देख रहे हो ना काफ़ी उरूज पर है, तो ये बहुत काम लायक चीज़ है। पंच जैसी छोटी गाड़ी हो, नेक्सॉन जैसी कोई गाड़ी हो भाई, सब में मिलना चाहिए। JBL का यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्विटर, नीचे साइड में स्पीकर, और एक चीज़ तो भाई रह गया भाई असल मुद्दा, ये देख रहे हो आप इसके ऊपर कंट्रोल्स, आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे करना है वो भाई आप यहीं से कर लोगे, तो काफ़ी प्रीमियम फीचर है। 6-सीटर वाला लोगे तो और महंगा पड़ेगा, उसमें आपको ये वाला भी जो सीट है वेंटिलेटेड दोनों मिल जाएगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, और ये सीट आगे पीछे भी होता है। तो देख लो महिंद्रा स्कॉर्पियो और XUV700 वालों, फीचर्स का असल नाम ये है भाई, सेफ्टी के साथ साथ फीचर्स इस बार टाटा वालों ने अपने सफारी में दे दिया है। रीडिंग लैंप आपको LED वाला यहाँ पर मिल जाता है, एयरबैग्स टोटल इस वाले वेरिएंट में 7 आएंगे, सबसे नीचे वाले वेरिएंट में जाओगे 6 आएंगे, यहाँ पर भी AC वेंट्स मिल जाता है, और सब वूफर आपको वहाँ डैशबोर्ड के ऊपर भी एक मिलता है, तो टोटल 10 स्पीकर्स का सेटअप ऐसे ऐसे करके दो तो 4 4 और 5 6 7 8 9 और एक बूट में दिखाया 10, आपका सिस्टम भाई गया बैट, और क्या चाहिए। इंजन का बात जहाँ तक है ना, तो यार इंजन जो है टाटा वालों का, आपको पेट्रोल का तो वैसे ऑप्शन मिलता है नहीं, सिर्फ डीजल का ऑप्शन मिलता है, और ये डीजल इंजन 170 BHP का पावर और 350 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है, पूरा गर्म हो रखा है। तो कैसी लगी आपको ये डार्क एडिशन वो आप हमें बताओ, इसके जो अलॉय व्हील भी हैं वो भी डार्क कलर के ही आते हैं, यानी ब्लैक कलर का, ब्लैक स्टोन ऐसे करके ब्रांड वाले कुछ नाम तो दिए हैं इसको, बाकी यही फीचर्स ओवरऑल है यार न्यू सफारी का। आप बताओ कैसा लगा आपको ये न्यू सफारी 2023 वाला XUV700 से बीट कर पाएगा या नहीं, वो चीज़ भी बताओ। मालूम है अगर प्राइस थोड़ा कम रखा जाता ना तो यार ये बहुत अच्छा डील हो जाता, सच बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा प्राइस बढ़ गया तो लोग भाई थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इन सारी चीज़ को लेके। आपको इसे भी ओपन करना है, यहीं से अपना ओपन होगा, DEF जो है वो यहाँ पर फील होता है, और तो कुछ रह नहीं गया, लगभग सारा चीज़ भाई कवर हो गया इस वीडियो में। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ बी सेफ।